और हम तो कहेंगे नीतीश जी से, आप जो अलग बगल पैर पकड़ रहे हैं इससे बढ़िया नरेंद्र मोदी जी का भी पैर छूने गए थे, तो आप धर लीजिए, हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, आप बिहार का विशेष राज दे दो, आप रिजाइन कर दीजिए मंत्रिमंडल से। कि यदि बिहार की जनता के बदौलत इस बार आप पीएम हो, दो विशेष राज का दर्जा नहीं तो मैं छोड़ता हूं, और आप छोड़िए और आप इधर जा हम लोग दिलाएंगे को। आपको मतलब है बिहार को, जब तक बिहार की जनता जात पात करती रहेगी, हिंदू मुसलमान करता रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता रहेगा, जात का बाइफर्केशन होगा, बिना किसी विकास के ये कास्ट के आधार पर जब तक वोट मिलेगा एमएलए एमपी को, मुंह देखेंगे नहीं, जिसको बनती उसको मुख्यमंत्री बना दो, तब तक आप इस जन्म में क्या, सात जन्म में बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश रहे, और वो तो बिहार का विशेष राज तो पॉलिटिकल एकमात्र सुगुफा है और जुमलाबाजी है। जब जब चुनाव आएगा तब तब नेता लोग विशेष राज के दर्जा, हम तो कहा कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दो, मक्का और मखान का मामला है, फूड प्रोसेसिंग का मामला है, सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन का मामला है, बनमनखी में एक चीनी मिल थी बंद हो गया, हमने कहा फूड प्रोसेसिंग यहां लगाइए, तो हमारे यहां तो सबसे ज्यादा न पलायन है, हो हमको तो सबसे ज्यादा न विशेष पैकेज चाहिए। संजय झा कहते थे कि हम हाई डैम की बात कर रहे हैं, तो अब तो आ गए, अब तो सरकार भी आपकी है, हाई डैम बना दीजिए, अब तो किसी से पैच उधार मांगने की जरूरत नहीं है, और हम तो कहेंगे नीतीश जी से, आप जो अलग बगल पैर पकड़ रहे हैं इससे बढ़िया नरेंद्र मोदी जी का भी पैर छूने गए थे, तो आप धर लीजिए, हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, आप बिहार का विशेष राज दे दो, आप रिजाइन कर दीजिए मंत्रिमंडल से, आप कहिए कि यदि बिहार की जनता के बदौलत इस बार आप पीएम हो, दो विशेष राज का दर्जा नहीं तो मैं छोड़ता हूं, और आप छोड़िए और आप इधर जा हम लोग दिलाएंगे। राहुल गांधी जी खट्टा लगे हैं, उससे ज्यादा जीनियस है कोई। आपको लगता है सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाएगी? सर मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं, एक बात जान लीजिए आप सादे कागज, राहुल गांधी जी ने इन लोगों को छोड़ दिया कि आप चलाओ, हम ऐसी गंदी गठबंधन जो चीजें हैं वो मैं नहीं करूंगा, आप इसको समझिए। और इंटरनल झगड़ा बीजेपी के भीतर इतना है, आंतरिक कलह मोदी जी को लेके, यूपी और महाराष्ट्र और गुजरात को लेके, आरएसएस ने तो आईना दिखाया मणिपुर और माइनोरिटीज के सवाल पर, और आरएसएस ने तो बताया कि ये धर्म नहीं है, तो महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि आंतरिक कलह से ये सरकार जाएगी, या दोनों जो गठबंधन धर्म के नायक हैं इन दोनों की विचारधारा नरेंद्र भाई मोदी जी से नहीं मिलती है, तनाव बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी बढ़ जाएगा, लेकिन इस 3 विधानसभा चुनाव के बाद जो मैं राजनीतिक समझ जितनी छोटी मेरी है, मेरी बहुत छोटी समझ है, मैं इतना जानता हूं कि उस राजनीतिक समझ में इस सरकार को इस चुनाव के बाद अस्थिर सरकार नहीं रह पाई।